ओम शांति, ओम शांति। दादी सब वही बोलते हैं, ओम शांति। वंडरफुल सभा, देख कितनी सुंदर सभा है। मैं खुश हुई हूँ या आप खुश हुए हैं बताओ? मैं खुश हुई हूँ आप सबको देख, या आप खुश हुए हो, या बाबा खुश हुआ है? बाबा की रचना कुमार है, इतने कुमार है, मुस्कुरा रहे हैं। कुमारों का मुस्कुराना मां देख, मैं ताली बजाती हूँ। कुमारों का मुस्कुराना देख, कोई बात मुश्किल नहीं। ये मुझे गीत मेरा प्यारा है, बाबा का निकाह तो अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया। हरे के कुमार मुस्कुरा रहे हैं। जब आप याद में बैठे थे, मैं भी यहाँ याद में बैठी थी। अभी आपने याद में क्या मंथन किया या क्या संकल्प आया वो आप बताएंगे तो अच्छा होगा। अपन तो कितना बताएंगे, पर मैं बताती हूँ मुझे क्या ख्याल आया। तो आप कहेंगे याद में बैठे ख्याल क्यों आया? आता है क्योंकि नियम का बल है। अमृत वेले और नमा शाम, नियम अनुसार जो बाबा के याद में फिर संगठन में बैठते हैं, बल बहुत है। जी चाहता आपको सुनाने के लिए, ये कभी मिस नहीं करना। कितनी भी सेवा है पर नियम में बल है। सभा में आ करके अमृत ले, अमृतमेन दादी अमृत वेले मुरली पर नमा शाम को कैसे याद में एक्यूरेट रहती है। तो उसे पूछो, दादी कौन खींच के ले के आता है? नियम। एक नियम में बल है, दूसरा मर्यादा में बल है। जो बाबा मुरली चलाता है, गुस्सा नहीं करना, कभी गुस्सा नहीं, क्रोध नहीं करना, कभी किसके नाम रूप में नहीं फंसना। मर्यादा, जो मर्यादा में चले, एक्यूरेट एक्यूरेट जब से बाबा के बने हैं, नाम रूप से न्यारा हूँ। नाम मेरा बल्ले जानकी है, शरीर का नाम है, रूप ये है, पर मैं आत्मा हूँ ना, बाबा की हूँ ना। तो नाम रूप से न्यारा और बाबा का प्यारा। मेरे भाई मुझे बड़ी खुशी मिली है, मुझे चांस मिला है, शारदा बहन ने चांस दिया है। तो भाइयों से शाम को क्लास के बाद, योग के बाद मिलना। क्या मिलके सुनाऊँ? एक नियम में बल है, दूसरा मर्यादा में बल है, तीसरा तीसरा संघ का रंग। सदाई जैसे बाबा के बनने हैं,
सत बाबा का संग, अभी सत्संग में बैठे हो, सत्संग में बैठे हो, संग तारे आगे ले जा रहा है। मैं तो संग में रहूं, पर मेरे संग में अनेकों का भला होवे। मैं कौन हूं, किसके संग रहती हूं? भाई संग का रंग है ना, संग का रंग है ना, संग का रंग है ना। और किसका फायद बल्ले है? नियम मर्यादा संग और किसका बल्ले है? दादी सुनाएगी या मैं सुनाऊं? दादी किसका बल्ले है? एक दो में विश्वास का बल्ले है दादी, एक दो में आत्मविश्वास, खुद में विश्वास है जो चला रहा है। बाबा में विश्वास है जो खींच रहा है, खींच रहा है कोई हमको डाल के प्रेम की डोर। कितना बल है, अगर मेरे को कोई भी प्रकार की व्यक्ति या वैभव की थोड़ी कशिश है, बाबा नहीं खींच सकता, युग में खींच नहीं होंगी। ऐसे बुद्धि लगी हुई है, दिन भर में अपन को देखो। मुझे आत्मा का ज्ञान, अब डिनीज मेरे बाजू बैठी है, उसको पहले पर लंदन में जो कोर्स कराया, डिनीज मुंह दिखाओ अपना, कभी इनको अनुभव सुनाना भी जा करके। आत्मा के ज्ञान से ही इसमें परिवर्तन आ गया। जयंती ने इसको कोर्स कराया, मैं तो इंग्लिश नहीं जानती हूँ, इसको शिकल को देखा, इसको कहा कल लिख करके आना, ये सिगरेट बीड़ी सब पीती थी। मैंने कहा मैं इनसे नहीं मिलेंगी, तो इसको दादी में से मिले। मैंने कहा मैं मिलूँ तेरे से मिलूँ, तुम बताना कल लिख करके आना, अपन को आत्मा समझने से कौन से ख्याल आते हैं, अपन को शरीर समझने से क्या ख्याल आता है। इनसे बदल गई, दूसरे दिन लिख करके आई। अभी आप सोचो, कुमार हो, कुमार तभी कुमार नहीं थे, सारे विश्व में खास भारत में इतने कुमार कहाँ थे? अभी अभी दादी ने कुमारियों की बच्ची कराई, ठीक है बहुत अच्छा कुमार, पर इतने 25 साल से पहले ऊपर इतने कुमार हो गए, अपन को आत्मा समझने से। वाइट कपड़ा सिक्योरिटी, कोई भी फैशन नहीं, न बालों का, न उसका, न कुछ का। दुनिया देखो, आप देखो कितना बदल गए। मनुष्यों की हैवान जैसी लाइफ है, हमारी हमारी आपकी फरिश्ते की लाइफ है। मनुष्य की लाइफ नहीं है, हैवान की लाइफ है, गद्दे की लाइफ है। अब भागा भाव को गार्ड, गद्दे का बच्चा गद्दा, गार्ड का बच्चा गार्ड।
किसके बच्चे हो, किसके बच्चे हो? गद्दे बेचारे को मत नहीं है, पर मत रहा है, जैसे चलाएंगे वैसे चलेगा। पर बाबा का बच्चा श्रीमत सरमाथे है, श्रीमत सरमाथे पर है, श्रीमत का बल बहुत है। जैसे संघ का बताया, सारी उम्र, सारी उम्र माना जब से बाबा के बने हैं, अभी पता है 98 एज है शरीर की, अब से जवान हूं ना, उस बाल काला अब जैसा नहीं है, थोड़ा 98 78 बाबा के साथ रही हूँ। किसका बल चला रहा है? श्रीमत। मन मत परमत, मैं परी लिखी हूं, मैं ये हूं फ्री। कितनी फ्री? तो आत्मा के ज्ञान में शरीर वो ही है, उसको आत्मा का ज्ञान मिला, मैं आत्मा हूं। कितना परिवर्तन आया है। आज मैगजीन पढ़ रही थी, परिवर्तन 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 परिवर्तन। कैसे परिवर्तन आता है? आत्मा के ज्ञान से। आत्मा क्या है? मन बुद्धि संस्कार है। मन से पूछो, आप कहेंगे कि शांति चाहिए, कहेंगे शांति चाहिए, दुनिया के सब कहेंगे मन को शांति चाहिए। हम नहीं कहेंगे मन को शांति चाहिए। कैसे मन शांत है? सारी दुनिया में सब धर्म वाले, सब सन्यासी महात्मा सब कहेंगे सन्यास भी करते शांति के लिए, जंगलों में जाते शांति के लिए। आप कहेंगे शांति? मन शांत, बुद्धि शुद्ध, मन शांत है, बुद्धि शुद्ध है, तो संस्कार पहले बने हुए हैं जिसमें कर्म बंधन, कई प्रकार के पुराने संस्कार बने हुए हैं अनेक जन्मों के, चाहे इस लास्ट जन्म के संस्कार बने हुए हैं। उस संस्कारों को मन बुद्धि से चेंज करना है, शुद्ध बनाना है, शांत बनाना है। जो बाबा हमेशा कहते हैं, याद से विक्रम नाश होते हैं। ऐसी याद पावरफुल हो जो पुराने विक्रम नाश होते जाए। इस जन्म में कोई भूल चूक हुई हो, बाबा माफ कर दे। बाबा कितना दयालु कृपालु है, कितना रहम दिल है, खिमिया रैम का सागर है, अनेक जन्मों के विक्रम। कहते रहे तू याद करो ना, विनाश कर देता हूँ। किसको अनुभव है? किसको अनुभव है? पूरे जन्म के विक्रम विनाश हो गए, हाथ उठाओ। विक्रम विनाश पूरे जन्म के ना, अभी कोई भूल हो गई, बाबा को सच बताया, खिमिया कर दिया। मैं आगे बाबा नहीं होगा, ये हमारा भाई हंस रहा है हमेशा मेरे को देख कर हंसता है। मैं इसको, ये मेरे पास आता नहीं है, पर मैं जब भी देखती हूँ
इनका मुस्कुराना स्पेशल है। दत्ता हाँ दत्ता, दत्ता मुझे नाम दत्ता याद नहीं आया, पर तो इनका मुस्कुराना स्पेशल है। दिखाओ कैसा मुस्कुरा, जब मेरे सामने आते मुस्कुराता कैसे, सबको दिखाओ ना कैसे मुस्कुराता है। तेरे दांत स्पेशल है ना क्योंकि मुस्कुराने में एक क्या है, मीठा बन जाता है। जो कोई मिलेगा ना मुस्कुराएगा, आवाज में नहीं आएगा। याद में एक होती शांति, दूसरी शक्ति। शांति और शक्ति, सच्चाई और प्रेम जब इकट्ठे हो जाते हैं तो दिल, दृष्टि, वायुमंडल, वाइब्रेशन कितने पावरफुल है। ऐसी घड़ी हर घड़ी वैल्यूबल है। एक बारी साकार बाबा हिस्ट्री हॉल में बैठा था, सामने घड़ी लगी पड़ी थी, तो घड़ी की थोड़ी थोड़ा आवाज था। बाबा ने कहा घड़ी को, इसको उठा दो, बच्ची आवाज करती है। मुझे हम लोग लगा ये घड़ी का भी जो आवाज है ना, तो हमारे हर घड़ी कोई आवाज समझो। वो बाबा की जो सीन है ना हिस्ट्री वाले की, मुझे कभी भूलती नहीं है। ये बच्ची बड़ी घर आवाज करती है, इतनी शांति हमारे अंदर हो, जो शांति की शक्ति में सच्चाई है, प्रेम है, किसी के लिए भी। आजकल मैं रुवरान में जो मेरे बाजू बैठते हैं, किसी के भी स्वभाव का न प्रभाव हो न दबाव हो, न मेरे स्वभाव की किसको तकलीफ हो, स्व के में भावना क्या है। हम आत्माएं हैं, बाबा के बच्चे हैं, बाबा के साथ घर जा रहे हैं। कहाँ रहे, अभी अभी थोड़ा समय पहले मैंने अपने आप से पूछा, तू कहाँ रहती हो जानकी, कहाँ रहती हो? पूछ कहाँ रहती हूँ मैं, कहाँ रहती हूँ? बाबा के साथ। बाबा के, बाबा से पूछ कहाँ रहती हूँ? हाँ आप कहाँ रहते हो? अभी हम कहाँ बैठे हैं, हाल में बैठे हैं, सब सामने बाबा बैठे हैं, हाल में सामने बाबा को देख रहे हो। दादी नहीं दिखाई पड़ती है पर बाबा दिखाई पड़ता है, कितनी खुशी होती है। हम सिर्फ मिल करके एक बाबा के बच्चे, बेहद में रहने वाले, हदों से पार। बाबा कहाँ रहता है? तो मैं बाबा से पूछा बैठ के यहाँ मेरे हाथ में, कहाँ रहते हो बता, कहाँ रहते बाबा, कहाँ रहते बताओ ना, कहाँ रहते हो? सो लाइट लाइट दिखाते हैं और कुछ नहीं दिखाई दे। बाबा जहाँ रहता है फेस दिखाई पड़ता है, तो चारों ओर लाइट दिखाई पड़ता है। तो हम भी वहाँ बैठती हूँ जा करके, ऐसे दिखाई पड़ता है ना।
लाइट लाइट दिखाई पड़ता है। हाँ क्या दिखाई पड़ता है? तो कल सुबह अमृत वेले ऐसे याद में बैठना, भले आज बैठते होंगे पर तो मेरी भावना है, आज जो आपका हमारा मिलन हुआ है इतने कुमारों के साथ अति खुशी है, जो बाबा ने आप लोगों को कहाँ कहाँ से चुन लिया है और आपने भी बाबा को अपना बना करके बाबा के गले का हार बनने के लिए बैठ गए हो, गोद में बैठे हो, पहले गोद का बच्चा बने, बाबा ने एडॉप्ट किया ना, जो जो एडॉप्टेड बच्चे होते हैं उनको नशा होता है, भाई मैं एडॉप्ट बच्चा हूँ इसने मुझे एडॉप्ट किया है। देखो बाबा को देखो ना कैसे एडॉप्ट किया है, एडॉप्ट करके दृष्टि से गले माला बना दिया, जिसका भक्ति मार्ग में कोई सच्चा भगत होगा ना और कुछ भक्ति नहीं करेगा, माला माला के जो मन के है ना उनमें खूबी है, आप कुमार बैठे हो ना देखना खूबी है, न दूर होते हैं न जुड़ते हैं, समीप भी है संयोगी भी है साथी भी है, पर तो बाबा को देख डिटैच है, डिटैच और लविंग है, इसी नेचर से माला का मन का बनते हैं। बताओ आप कहेंगे माला तो 108 की है, हम तो 16,000 से ऊपर बैठे हैं, आप 16,000 108 में आ जाना ना कोई बड़ी बात नहीं है, करोड़ों में कोई प्रभु के लाल बैठे हैं, दिल कहता है उठ के आकर टोली खिलाऊं, कोई हर्जा नहीं है दादी टोली खिलाए, सुबह को मैंने सुना आपको टोली मिली है टोली खाई है, पूछा टोली मिली, कहा हाँ टोली मिली, अभी और कुछ कहना है? कहना है हो गया हो गया, अभी 3 मिनट शांत में प्रेम से आनंद में ऐसे बैठो जैसे मेरा बाबा, बाबा को खुशी होती है अगर हम बाबा को कॉपी करते हैं, जैसा बाबा ना ऐसा अगर हम भी बाबा के समान बैठते हैं। दादी आपने पूछा ना कि कुछ कहना है किसको? वो भाइयों को कुमारों को, तो एक भाई ने फोन किया कि लंदन से जयंती बहन का क्लास होवे। क्या मैं सुना नहीं? आपने पूछा ना भाइयों को कि आपको कुछ कहना है, तो हाँ एक बोला भाई ने फोन किया कि जयंती दीदी का क्लास होवे, ऐसे कॉन्फ्रेंस कॉल। जयंती बनी क्लास हो गए तो हाँ एक भाई ने फोन किया। अच्छा हम प्रबंध करेंगे, हम कहेंगे यहाँ का जयंती बहन वहाँ से लंदन से क्लास कराएंगी। हाँ ज़रूर हो सकता है, पास एवरी थिंग पॉसिबल, मैं तो भोली भाली हूँ पर साइंस के कमाल करके दिखाई है, अभी साइंस के आधार से ऐसे मिलन मना रही हूँ जैसे कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं तो मुझे तो लगता शरीर कैसा हो गया है, मैं नहीं जा रहा, ना 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 ख्याल नहीं आता है, अच्छा है शरीर, प्यार है जहाँ सच्चाई है शक्ति आ जाती है, तो साइंस ने ये अच्छी बात सुनाई तो हो जाएगा भाई, हो सकता है ना। हाँ हो सकता, मैं जयंती को कह देती हूँ, भले मुझे पता है जर्मनी में गई है, कहाँ से भी आपसे मिलेंगी
वापस लंदन आएंगी, मतलब आपसे जरूर मिलेंगी, और वो खुश हो जाएंगी। वो कुमारी जब पैदा हुई थी पहले पहले, और इतने कुमारों को देख खुश हो जाएंगे। थैंक यू। और भी कुछ कहना हो कह दो, और भी कुछ कहना है। क्योंकि संगम युग की ये घड़ियां फिर से वापस नहीं आएंगी। हम कहते हैं संगम युग की महिमा, बाबा के महिमा, हम सब की महिमा। इसलिए बाबा के गुण सिर्फ गायन नहीं करो, बाबा के गुण अपने जीवन में ले लो। रोज शाम को योग के बाद इसको आपको क्लास कराना है। सुनो, आप बहने जानती हो, आप बहने जानती हो कभी नांग किया है क्या? सुनो मेरे, सुनो मेरी बात शादा। मेरे बाबा ने कहा था, हजूर कोई हुक्म है? मैंने बाबा को कहा ये, बाबा ने क्या कहा? हजूर कोई हुक्म है? का बच्ची सदाई हाँ जी का है ना, तो हजूर तेरे साथ हाजिर रहेगा। तो आपको मैं शारदा को हाजिर हाँ जी कहती हूँ ना, तो हजूर मेरे साथ हाजिर हो जाएगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 3 मिनट शांत। हर पल